नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा स्वागत किया आपने हमारा यात्रा का, पूरा दम आपने यात्रा में डाल दिया। एक साल पहले हमने यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, क्योंकि देश में बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम कर रहे हैं और लोगों को धमकाने का, डराने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर परिवार में लड़ाई होती है, भाई भाई ठहर जाओ, अगर परिवार में लड़ाई होती है, एक भाई दूसरे भाई को मारता है, तो वो परिवार मजबूत होता है, कमजोर होता है? कमजोर होता है। तो अगर देश को कोई कमजोर करता है तो देशभक्त का काम क्या होता है? देश को बचाना, नफरत को मिटाना, डर को मिटाना, हिंसा को मिटाना, यही लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा का था। जो नफरत समाज में फैलाई जा रही है उसके सामने यात्रा ने 4000 किलोमीटर, और सिर्फ मैं नहीं चला भाइयों और बहनों, लाखों लोग चले हैं। मीडिया में पूरा ब्लैकआउट कर दिया था, जैसे इस यात्रा को पूरा ब्लैकआउट कर दिया है, मगर देश के दिल के अंदर, आत्मा के अंदर, डीएनए के अंदर यात्रा का मैसेज गया, मोहब्बत का मैसेज गया, नफरत के खिलाफ मैसेज गया, और इससे देश मजबूत हुआ। जैसे ऐसी भीड़ है वैसे ही यात्रा में मैं चल रहा था, भीड़ थी, एक व्यक्ति को मैंने देखा उधर से आने की कोशिश कर रहा था, पुलिस वालों ने उसको मारा, गायब हो गया। फिर वो दूसरी साइड से आया, फिर पुलिस वाले जो रूट को बनाते हैं उन्होंने मारा उसको, फिर गायब हो गया। तीसरी बार मैंने उसको यहां देखा, पुलिस वालों को धकेल के, अकेला 10-15 पुलिस वालों को धकेल के मेरे सामने खड़ा हो गया पिछली यात्रा में, और कहता है, सुनो, मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, ऐसे कहता है, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई इसको क्या हो गया? मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, थोड़ा रिलैक्स करो। फिर कहता है मुझे, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। मतलब नारा हमने नहीं दिया, नारा भीड़ के दिल में से निकला है, और भीड़ और जनता समझ गई कि भारत जोड़ो यात्रा क्या करने की कोशिश कर रही है, भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब पहली यात्रा में से एक सवाल उठा और मैंने बहुत सारे लोगों से कहा, पूछा, देश में नफरत फैल रही है, और मैंने पूछा क्यों फैल रही है, इसका कारण क्या है, और मैंने यह सवाल हजारों लोगों से पूछा होगा, भाई नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है? नहीं, वोट बैंक नहीं है भाइयों बहनों, आप गलत फहमी में मत रहो, वोट बैंक नहीं है ये, और हिंदुस्तान की जनता ने यह मुझे बताया, किसानों ने, मजदूरों ने, राहुल जी, हिंसा और नफरत का कारण अन्याय है। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होता है, किसान के खिलाफ अन्याय होता है, छोटे दुकानदार के खिलाफ अन्याय होता है, युवाओं के खिलाफ अन्याय होता है, सड़कों पे माताओं बहनों के खिलाफ अन्याय होता है। हिंसा का कारण, नफरत का कारण अन्याय है, इसीलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शब्द जोड़ दिया।
क्योंकि अब ये दूसरी यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही है, मगर ये दूसरी यात्रा अन्याय के खिलाफ लड़ रही है और न्याय को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां पे शांत हो जाएं थोड़ा, यहां पे बहुत सारे लोग हैं, यहां पे हिंदुस्तान में पिछड़े लोगों की कितनी आबादी है? कितनी आबादी है, कितनी है? पिछड़ों की 50% आबादी है, ठीक है, ठीक है। दलितों की कितनी आबादी है? 5% नहीं भाई, 15%। सब माइनॉरिटी को मिला दो, सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, सबको मिला दो, इनकी कितनी आबादी है? 15%। आदिवासियों की आबादी कितनी है? 8%। 50 और 15 कितना होता है? 65 और 15 कितना होता है? 80 और 8 कितना होता है? 88 ना, ठीक है। तो इन सबको मिलाओ तो 88% इनकी आबादी है, तकरीबन 90%, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सबसे 200 बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालो, ठीक है, में से 90% के कितने मालिक बताओ? कितने? एक भी नहीं। छोड़ो, शायद आप लोग 90% लोग कहते हैं भैया हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना चाहते, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, मालिक नहीं बनना चाहते, मालिक बनने का दम नहीं है, तो फिर मैनेजमेंट में आपके लोग कितने हैं? 0। तो प्राइवेट कंपनियों, सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में आपका एक आदमी मालिक नहीं, आपके सीनियर मैनेजमेंट में एक बंदा नहीं, ठीक है। अब आप कहो, पता नहीं, शायद कहो कि भैया 90% को प्राइवेट कंपनी में नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछता हूं, ये मीडिया वाले जो घूम रहे हैं, मीडिया वाली कंपनी जो है, सबसे बड़ी कंपनियां हैं, इनमें से 90% के मालिक कितने? कितने? 0, ठीक है। बड़े बड़े रिपोर्टर के नाम देखो, ये सब के नाम लिस्ट निकालो, इसमें से 90% के कितने? कितने? 0, ठीक है। आप कहोगे भैया हमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में भागीदारी नहीं चाहिए, हमें मीडिया में भी भागीदारी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं गलत है, मगर शायद आप लोगों के दिल में यही है। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, भैया प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, इसमें आपके कितने लोग? कितने लोग? 0। फिर मैं कहूंगा भैया पता नहीं क्या हो गया, 90% ना प्राइवेट अस्पताल चलाना चाहता है, ना कंपनियों में भाग लेना, भागीदारी चाहता है, ना मीडिया में चाहता है। फिर मैं कहूंगा ठीक है भैया चलो, IAS में आपके कितने? हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग चलाते हैं, ठीक है। अलंकार, वो यूपी वाली लिस्ट निकालो, यूपी वाली, ब्यूरोक्रेट वाली। हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग चलाते हैं, ठीक है, मतलब पूरा का पैरो, पूरा का पूरा पैसा 90 लोग बांटते हैं, IAS अफसर हैं, ठीक है। डिफेंस जाता है ये निर्णय लेते हैं, अस्पतालों में कितना जाता है ये निर्णय लेते हैं, सड़कों में कितना जाता है ये लेते हैं। अब मुझे बताओ हिंदुस्तान की सरकार के 90 सबसे बड़े IAS अफसर में 90% के कितने लोग? 3 OBC, 3 दलित, 1 आदिवासी, 1-2 माइनॉरिटी के। आप जानते हो कि आप में से 90% में से बजट की कितनी भागीदारी है?
जानते हो 90% की कितनी भागीदारी है? 7%। अब ये देखो, यूपी की बात करता हूं मैं, आंकड़े निकालता हूं यूपी के बजट को। सुनो, यूपी के बजट को 90%, यूपी की 90% आबादी, यूपी के बजट को 62 अफसर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, 62। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन अफसरों यूपी बताओ। मैं आपको बताता हूं भाइयों, मैं बताता हूं, ओबीसी की भागीदारी यूपी के बजट में कम से कम आपकी भागीदारी 4%, 4%, ठीक है। भाई आधे अलंकार पकड़ो, मतलब भी भागीदारी नहीं है। अगर आप समझना चाहते हो कि 90% लोग कहां काम करते हैं, ऐसी पिछड़े माइनॉरिटी के लोग कहां काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं, इस देश में आपकी जगह मैं आपको बताता हूं। आप मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आपको सब पिछड़े दिख जाएंगे, सब दलित दिख जाएंगे, सब आदिवासी दिख जाएंगे, सब माइनॉरिटी दिख जाएंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, शानदार, बिल्कुल शानदार, क्योंकि सच है, सच शानदार होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, आप सफाई कर्मचारियों की लिस्ट निकालो, आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसको देखो, उसमें आपको मिलेंगे दलित, मिलेंगे आदिवासी, मिलेंगे माइनॉरिटी, मिलेंगे पिछड़े, मिलेंगे। यह सच्चाई है हिंदुस्तान की। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। अच्छा, जेलों की लिस्ट निकालो, जेलों की लिस्ट में आपको पिछड़े मिलेंगे, दलित मिलेंगे, आदिवासी मिलेंगे, गरीब मिलेगा, एक अमीर व्यक्ति आपको हिंदुस्तान की जेल में नहीं मिलेगा। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मुझे बताओ, मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया, किसानों का कितना माफ किया, बेरोजगारों का कितना माफ किया, एक रुपया नहीं माफ किया। तो ये भाई और बहनों हो रहा है, 1% के हाथ में पूरा का पूरा है। एक बात मैंने नहीं कही, इसमें गरीब जनरल कास्ट के भी बेचारे लोग हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलता, वो भी बैठे हुए देखते रहते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, दूसरी तरफ अदानी बैठा है, तीसरी तरफ अमित शाह बैठा है। अब समझना चाहते हो क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, समझना चाहते हो, मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं, कौन आएगा ऊपर, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, हिंदुस्तान सरकार का पूरा काम आपको एक मिनट में समझाने जा रहा हूं। आया आया ऊपर आ जाओ, शाबाश। नाम क्या तुम्हारा? रघुनाथ यादव जी, इधर आओ, खड़े हो जाओ सामने। ये देखो, रघुनाथ राजव यादव जी हैं, ये ओबीसी हैं, पिछड़े वर्ग के हैं। यादव जी, अब देखिए, यादव जी उधर, यादव जी उधर देखिए, ये देखो, ये क्या हो रहा है, किसी का जेब काटना चाहते हो तो सबसे पहले उसको इधर दिखाओ, उधर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ। ये जो मैंने अभी याद किया, हम नरेंद्र कर, उधर देखो,
उधर देखो, ऊपर देखो, थाली बजाओ, फोन की लाइट चलाओ, ये मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है भैया, अब एक और आदमी आओ, ऊपर आ जाओ। ठीक है ठीक है, अब ये देखो, ये अब इनकी जेब काटेगा। ठीक है भैया, यादव जी आप उधर देखो, भैया आप इसके जेब में हाथ डालो, जेब में, ये देखो ये जेब काट रहा है, इसका नाम अदानी। भैया तीसरा आ जाओ ऊपर। अच्छा भैया इसको एक 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 डंडा दो, इसको एक डंडा दो, ये डंडा दो, डंडा हटा और ये डंडा दिया। अच्छा डंडे को हाथ में उठा, ये हमें, ये मोदी जी, मोदी जी, अदानी जी, अमित शाह जी, ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये उसका डंडा है। अगर किसी ने कोशिश की तो अच्छा डंडा मारे। अदानी जी लगे हुए हैं, अच्छा सूट पहने हैं, पैसा छीना जा रहा है, पेट्रोल से पैसा छीना जा रहा है, बिना रोजगार नहीं दिया जा रहा, ये काम हो रहा है। भाई और बहनों, आपने हमारी मदद की, गलत तो नहीं किया मैंने, अगर कुछ गलत लगा आपको तो माफी मांगता हूं, मैं बस दिखाना चाह रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आ जाइए यहां बैठ जाइए, यहां बैठ जाइए। सर मैं छत्तीसगढ़ से हूं। उधर देखो भाई, भारत जोड़ो। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय जोहार, वो ले लेगा आपको भैया। हाँ शाबाश। ध्यान से, मैं गिर मत जाना, थैंक यू। तो ये मैंने आपको दिखाया हिंदुस्तान का सिस्टम, हिंदुस्तान के गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग, माइनॉरिटी के लोग, उनका जेब काटा जा रहा है। जेब काटा जा रहा है। अब देखो आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे ये जो पुलिस वाले बैठे हैं, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने आज धक्के खाए और जो आपको धक्के लगे उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मगर ये जो है पुलिस वाले, भैया धकेलो मत भाई, दब जाएंगे। ये जो पुलिस वाले हैं, ये पुलिस में जब जाते हैं तो ये देश सेवा करने के लिए जाते हैं, सही, ये देश सेवा करने के लिए जाते हैं। ऐसे ही लाखों लोग सुबह उठ के 5 बजे सुबह रनिंग करते हैं, पुशअप करते हैं, पुलअप करते हैं सेना में जाने के लिए। जो इनके देश में, इनके दिल में भावना है देशभक्ति की, वही भावना सेना में होती है, वही भावना लाखों युवा सुबह उठ के रनिंग करते हैं आर्मी में जाने के लिए, सही। अब देखिए उनके साथ क्या किया गया, अभी पेपर आउट भी बोलूंगा। ये लाखों लोग सुबह उठते हैं, सेना में जाने की कोशिश करते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी नई योजना लाए हैं, अग्निवीर। अग्निवीर कहती है कि हिंदुस्तान में दो तरीके के शहीद होंगे, एक होगा जनरल रेगुलर आर्मी वाला, अगर वो शहीद होगा उसे शहीद का दर्जा मिलेगा, और दूसरा होगा अग्निवीर, अगर वो शहीद होगा उसे कोई शहीद का दर्ज नहीं मिलेगा, उसको, उसकी लाश को वापस घर भेज दिया जाएगा, उसे ना कोई, उसके परिवार को ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कोई मदद मिलेगी, और उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। भाई और बहनों, ये शर्म की बात है, लाखों लोग हिंदुस्तान में आर्मी में जाकर
देश सेवा करते थे, उनको इज्जत मिलती थी, उनको पेंशन मिलती थी, उनको कैंटीन मिलती थी और उनको शहीद का दर्जा मिलता था। अब बीजेपी ने यह छीन लिया। 4 में से 3 युवाओं को वो वापस भेजेंगे और आप देख लेना, लिख के ले लो, वो जो वापस आएंगे ना, वो सारे के सारे जो अग्निवीर निकाले जाएंगे, वो सारे के सारे गरीब होंगे, उनमें से एक अमीर बंदा नहीं निकाला जाएगा। एग्जाम के बाद आप जानते हो ये नया धंधा चला है, आपसे एग्जाम कराते हैं, आप पढ़ाई करते हो, आप अपना पैसा निकाल के प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्यूशन सेंटर में डालते हो, उसके बाद सुबह उठते हो, एग्जाम करने जाते हो, वहां पे एग्जाम में आपको किसी और का मोबाइल फोन दिखता है, उस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाई दे जाता है। ये इसका लक्ष्य क्या है कि ये जो रोजगार मांग रहे हैं, सरकारी जॉब मांग रहे हैं, इनका टाइम जाया करो, इनका बेवकूफ बनाओ। भाई और बहनों, ये काम सरकार ही करा रही है, ये काम पेपर लीक का काम यही लोग करा रहे हैं जो आपको रोजगार नहीं देना चाहते हैं। ये सच्चाई है। और रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अदानी जी को पूरा का पूरा दे दिया और ये जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, ब्रास वाले लोग हैं, ये जो लोग हैं, इनको बर्बाद कर दिया जीएसटी से, नोटबंदी से इनको खत्म कर दिया। आजकल क्या हो रहा है, चाइना का माल यहां आ रहा है, ये मोबाइल फोन जो है ये चाइना का है, ये चाइना का माल यहां आ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति इसको यहां बेच रहे हैं, आप लोग खरीद रहे हो, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। ये मोबाइल फोन दो मुझे एक, ये देखो, ये है मेड इन चाइना। मैं चाहता हूं इससे चाइना के युवाओं को फायदा होता है और इससे अदानी जैसे अरबपतियों को फायदा होता है, चाइना का माल यहां बेचते हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले कि हिंदुस्तान के युवा इस फोन को हिंदुस्तान में बनाएं। और एक दिन ऐसा है, प्रियंका माइक पकड़ो, एक दिन ऐसा है कि मैं यहां अलीगढ़ आऊं 10 साल बाद 6 साल बाद और इसके फोन पीछे देखू लिखा हो मेड इन अलीगढ़, और फिर यहां आऊं और यहां पे 10 युवाओं को कहूं यार बेटा इधर आओ, वो ऊपर आए, मैं कहूं क्या करते हो, भैया हम मोबाइल टेलीफोन अलीगढ़ में बनाते हैं, मेड इन अलीगढ़ लिखते हैं, वहां पे चाइना का युवा हमारा फोन का इस्तेमाल करता है। ये होना चाहिए हिंदुस्तान में, और ये हम सब मिलकर 90% लोग ये सब मिलकर काम करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। न्याय का हक मिलने तक ಸಿಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.